हेलो वेलकम एंड ऑल, मैं हूमान, आप सभी का वेलकम करता हूँ बॉलीवुड गपशप। और आज मेरे साथ जो शख्सियत है ना, मतलब शब्द कम है, अल्फाज कम है, लफ्ज कम है, सब कम है, क्योंकि जब ये हंसाते हैं तो सारी दुनिया हंसती है, क्योंकि ना जाने कितने लोगों की बीमारी सिर्फ हंसने से ठीक हो जाती है। और ये वो डॉक्टर है जो बिना दवाई के लोगों को ठीक कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुनील पाल और VIP की। आपका तो नागपुर में वेलकम है और BCN में वेलकम है, की हालचाल पहले तो ये जानना। ओ जी चंगे सी BCN वालों को, जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। ईद आ रही है तो ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, और बाकी पाल साहब बताएंगे। मैं नागपुर में आया हूँ और बहुत ही नागपुर में गर्मी पड़ रही है, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कई पिछले 2-3 महीनों से, कि एक अमेरिका का कोई बंदा आया था घूमने के लिए यहाँ पर, बोरा चिट्टा जाते हो तो उसको अफ्रीकन साबित करना चला गया था। इतनी गर्मी है और मार्च में सब जगह पढ़ाई होती है, परीक्षाएं होती है, हर बच्चे को डिग्री मिलती है, तो सूरज बोलता है अच्छा तुम डिग्री ले रहे हो, आओ मेरे पास, ये देखो मेरे पास 48 डिग्री है, 45 डिग्री, 50 डिग्री और चाहिए। तो बच्चे बोलते बेटा सूरज बच्चा तुझे कहाँ नौकरी पानी है, तुम इतने क्यों डिग्री पा रहे हो। अरे मुझे बेटा क्यों बोल रहे हैं, आप सन हो ना। अरे वाह, और आपकी वजह से अब एवरी डे संडे हो गया है, हर डे संडे, इतनी गर्मी पड़ रही है कि हर दिन सूरज का दिन है। तो कि सूरज को ये मैं कहना चाहता हूँ कि भैया थोड़ा सा रहम करे, दया करे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गरीब से ज़्यादा अमीर, गरीब या अमीर, अब दुनिया का सबसे गरीब आदमी जो बेचारा वहाँ मिट्टी खोद रहा है, और उसको कहा इतनी गर्मी, तो यार मजदूरी करता है कोई, इसका कोई तुक नहीं है। तो कहते हैं साहब सब कहते हैं गर्मी में काम करने का कोई तुक नहीं, ये वही कह सकता है जिसके पेट में भूख नहीं। हर आदमी मोदी अंबानी शाहरुख नहीं, हर आदमी के पास पैसों का और घर का सुख नहीं। वाह क्या बात, अमीर आदमी को देखा तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है मस्क जो अमीर आदमी है, जो सबसे 11 लोगों में नंबर 1 पे हुआ है ना दुनिया में, मस्क, एलन मस्क वो भी गर्मी से घबराया हुआ, क्यों, उसने कोका कोला एक कंपनी खरीद ली। अरे बाप, उसको मालूम है ठंडा मतलब कोका कोला और गर्म मतलब अकोला। फिलहाल तो ट्विटर पे थोड़ा कंट्रोल हो जाए। हाँ जी हाँ जी, तो वही ट्विटर भी खरीद लिया एलन मस्क ने पैसे देकर, तो पहले खरीद लिया। हाँ, उसके बाद फिर कोको कोला के लिए बात चल रही है सर। देखिए मैं बोलूंगा नहीं, डील मैंने करा है, लेकिन अगर कोको कोला नहीं भी खरीदेगा तो भी उसके अंदर गर्मी तो है पैसे की। बराबर, बहुत सही सर, आप कुछ कह रहे थे सर। मतलब आप लोग इतना बोल रहे थे, सोचा कि मैं वो बताई दूंगी, ये जो हेरा फेरी हुई है, जो बेचा गया वो डील मैंने कराई है। क्या बात है सर, क्योंकि VIP नाम VIP लोग ये कर रहे हैं। देखो VIP लोग की चलती है ये बात अलग है कि VIP की लाल बत्ती होती है, मेरे पास भी लाल बत्ती है, लेकिन मैं जब ब्रेक मारता तब जलती है। ये भी अच्छा था सर, आप लॉकअप में गए थे, बहुत तमाशे करके आए, मतलब यहाँ का इंटरव्यू खत्म करके आप सीधा मुझे लॉकअप में दिखे हो, ऐसे लगता कि मेरे साथ इंटरव्यू करने के बाद लॉकअप में चांस मिला है। तुम्हारे साथ बात करने का जुर्म देखा यार, इतना बड़ा इसने आतंक किया, इसने इतना बड़ा क्राइम किया, इसको तो लॉकअप में भेजो। लेकिन तुम्हारी तारीफ है कि उन्होंने कंगना के साथ मुझे लॉकअप में जाए, और मैं कंगना के साथ में बातचीत कर रहा था और मुझे लग रहा था उस प्रोग्राम में खूबसूरती होगी, क्योंकि एक तरफ कंगना है, दूसरी तरफ पायल है, मेरे का एक प्रोग्राम है, श्रृंगार है। वाह वाह, नारी श्रृंगार, नारी श्रृंगार। लेकिन मुझे बुलाकर उन्होंने एंकरिंग करवा ली, आधे घंटे की एंकरिंग में 15 मिनट का मसाला काट दिए, और 15 मिनट का वो मसाला रखा जो उनके काम का था। पता चलता है कि बालाजी कृपा जिस पे हो काम होता रहेगा, और ऑल्ट बालाजी कृपा हो तो आपका काम खत्म भी होता रहेगा। तो मुझे लगता है कि, लेकिन एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जाकर जो मैंने अपना पक्ष रखा वो बिल्कुल सही रखा, क्योंकि हमारे देश और दुनिया में लाइव शोज होते हैं, आज भी हम लोग एक जगह लाइव शो करने आए हैं वाराणसी में, तो जनता हमको जब बुलाती है तो उनके मन में प्रश्न होता है कि आप सुनील जी गंदा तो नहीं करेंगे, गाली गलौज तो नहीं करेंगे, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, और यही वजह है कि लोग हमको बुलाते, तो ये हमको बार बार बताना पड़ता है पब्लिक के सामने, किसी ना किसी आप जैसे लोगों के माध्यम से कि भैया हम वो लोग नहीं है, हम आज भी पारिवारिक फैमिली कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी की फैमिली करते हैं, आज भी हम स्टेज का मान और सम्मान दोनों क्या होता है, कुछ लोगों ने कॉमेडी करते हैं, आज भगवत मान रखते हैं। नहीं, और कुछ लोगों ने कॉमेडी को इस पर इतना गिरा दिया है तो लोग डरते हैं, आज भी हम सच बताया सुनी भाई ने कि उनके जो बॉस के जो इर्द गिर्द घूमते पहले वो आते हमारे पास, बॉस और बॉस की फैमिली बैठी हुई है, कुछ डबल भी नहीं, कुछ भी नहीं, बोला अरे भाई हम ऐसा कुछ करते नहीं है। नहीं, फिर भी किसी ने एक बार बोल दिया था,
मतलब किसी ने बोला हुआ, लेकिन आप हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए, हम लोग डबल मीनिंग कर देंगे, हम सिंगल मीनिंग, हमारा परिवार 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 ही देखता हमारा प्रोग्राम, और इसी विषय पर मैं फिल्म बना रहा हूँ, गाली गलौज। अच्छा, पिक्चर का नाम ही गाली गलौज सर। कितनी गालियां हैं? एक भी टाइटल देखते ही लोग ऐसा सवाल करेंगे, अरे क्या गाली है क्या है? हमें तो इसके खिलाफ कहानी है, कहानी जैसे फिल्म का नाम गजली था, गजली विलन था उसमें, विलन था तो गाली गलौज विलन है फिल्म। क्या बात है! और उसमें क्या हमारी स्टैंड अप कॉमेडी का क्या है, तो उसमें यूट्यूबर्स और जिस टाइप की कॉमेडी करने लोग उनके साथ में हमारी पारिवारिक कॉमेडी करने वाले कलाकारों का आपस में कैसे क्या होता है, वो फिल्म की कहानी। क्या बात है सर! वीआईपी हम इतने साल बता रहा हूँ, मैं अभी भाई ने बोला गजनी का मतलब साउथ की फिल्में जो बनती है, हाँ। जो नाम फीमेल होते है निकलता कोई और है, और पुष्पा जो हो और हीरो हीरो था उसमें, चक्कर में गया था कि पुष्पा दिखेगी, पुष्पा दिखेगी, बोला ये दाढ़ी वाला पुष्पा है, गजनी वाला तो साड़ी वाला पुष्पा के चक्कर में गया था। लेकिन आज तक दोनों को पुष्पा नहीं मिली, पर फिल्म का क्लाइमेक्स बड़ा कमाल है, दोनों को मंगलसूत्र पहनाते हुए पुष्पा कह रहा है चुकेगा नहीं, अच्छा मंगलसूत्र डाल दे, शादी तो कर दे, तू तो कहते बाद में झुके, ये देखिए त्रस्पति दुखी पति। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इतने सालों से हर स्टेज में काम किया हुआ है, जैसे हमने सुनील सर से पहले बात कर चुके इस बारे में कि अब जो कॉमेडियन का एक फ्लेवर आ गया है, एक गाली गलौच वाला, एक वल्गरिटी में आ गया है, और एक आपका एक पारिवारिक वाला है, तो ज़्यादा जो मार्केट में चल रहा है, क्योंकि जिस तरह यूथ गालियों की तरफ या डबल मीनिंग की तरफ जा रहा है, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब सबकी अपनी अपनी राय होती है, एक टाइम थी कॉमेडी की टाइम थी, जब केले के छिलके पे फिसलते थे तो हम लोग हंसते थे, फिर मोटापे पे हंसते थे, फिर केक वाला सीन आया था केक मारते थे, फिर हमारा एक हमारा दौर आया था, हम लोगों ने बहुत साफ सुथरी कॉमेडी की, फिर लोग हंसते थे। अब लोग, मुझे लगता है कि जनता को ये चाहिए, जनता सुनना चाहती है वल्गर, नहीं तो देखिए अगर जनता नहीं सुने तो, अगर समझ मेरे हाथ में मोबाइल है या टीवी का रिमोट है, मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ मैं, ऑफकोर्स, लेकिन रेटिंग बढ़ रही है, लोग देख रहे हैं सुन रहे, तो इसमें बॉलीवुड भी था बिल्कुल, जनता गंगापन देखना चाहती है, गंदापन देखना चाहती है, आज खुद बॉलीवुड वाले नंगे हो गए, गंदे हो गए, जनता ने ऐसी पीठ घुमाई उत्तर से दक्षिण हो गई, बिल्कुल दक्षिण की तरफ चले गए, आप उत्तर अधिकारी ना बने, बिल्कुल दक्षिण भी देखो जी। ये जितने ताने बॉलीवुड को सुनील सर मारते हैं तो कोई नहीं मारता होगा, मतलब आप सास बहू का काम करते हो, आप सास और वो बहू है, आप फका भग भका भग ताने ही देते रहते हो उनको। सुनील भाई को जब से एकता कपूर के प्रोग्राम से आया हूँ, सास बहू को ही काम कर रहा हूँ। सुनील भाई को लग रहा है वीआईपी साइड ले रहा है, क्योंकि मेरे अंदर बॉलीवुड ज्यादा घुसा है। हां तो कुछ सुनाओ भाई, सुनाओ यार, हम उसी के लिए आए, आज का सुनील पाल के बर्थडे पर, हां आज मेरा बर्थडे मालूम है ना, हां हां सर, 2 मई एक मई को लेबर जो होता है, दूसरे दिन ये लेबर पैदा हुआ था, और सुनो एक मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे था, दूसरे दिन में पैदा हुआ, आगे बोलो। क्या बात है, ये देखो तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे BCN चैनल के जरिए मैं आप लोगों को आज सुनील पाल का बर्थडे है और मैं उनको विश कर रहा हूँ अपने अपने अंदाज में। बिल्कुल, सोचो आपके स्टूडियो में नसीर साहब होते हैं, नसीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन शाह, तो कैसे विश करते हैं? भाई सुनील पाल साहब, आज आपका जन्मदिन है और आपने हमें केक नहीं खिलाया, ये होना है हजार गुना है हमारी तरफ से, फिर भी कहेंगे जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह, प्रकाश राज आ गए सिंगम के विलन, सिंगम के विलन, मैं आज ही सटक नहीं, हाँ सब कुछ करने का, जे काम सीख रहेगा, ईगो हटने करने का, करने का, केक काटने का, सबको बांटने का, आली रे आली, सुनील पाल की बर्थडे की बारी आली। वाह, बहुत बढ़िया। अक्षय कुमार आ जाएंगे, उन्हें आज ही, अक्षय कुमार बोल रहा हूँ मेरी तरफ से, सुनील साहब आपको मेरी तरफ से जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। ए श्याम तू भी बोल ले, अकेले अकेले बैठा है श्याम, तू तो बोल, ए तुम भी सुनील, मैं भी सुनील, मेरी तरफ से भी जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू सुनील, ए बाबा, अरे जब तुम लोग बोलेगे तो मैं भी बोलेगा, बाबा ये बोलेगा तो अपना BMC चैनल 100 लेटर बाबा, अरे देखने का, अरे वरना घर पे आके दिखा के जाएगा, बोलने के नहीं मेरे को, तो ये मैं भी बोलेगा हैप्पी बर्थडे टू यू सुनील, ये केक किधर है, केक
तो ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे एक्टर, वैसे 150 एक्टर आए हैं। मिठुन दा अभी आजकल वो चेयर पे ही बैठे हैं। ए सुनील, अरे मेरी तरफ से भी जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई शक, क्या बात जानी भाई। ओ सुनील पाल, ओ मेरे लाल, ओ तुम्हारा जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू। कहाँ है तू? क्या बात है सर। सर ये आया कहाँ से इतना जोश, इतना जुनून, और जो इतने प्रॉपर तरीके से आपकी वॉइस है, मतलब ऐसा लगा कि कभी वो लोग नहीं भी अवेलेबल हो तो आप अपनी आवाज देकर सारी पूरी बॉलीवुड की डबिंग कर सकते हो। ऑफकोर्स सर, वो तो हम सब जानते हैं। 200 आवाज करते हैं। एक दिन मैं इस शो में था, इसके एंट्री हुई स्टेज पर, एक मिनट कुछ नहीं बोल रहा, दो मिनट कुछ नहीं बोल रहा, तीन मिनट कुछ नहीं बोल रहा, जब पांच मिनट मेरे का आवाज क्यों निकल रहा है? आज मेरी आवाज नहीं निकली क्योंकि मैं सामने बीवी बैठी। बीवी से हर कोई डरता है। बिल्कुल, डरना भी चाहिए। सर आपको सबसे ज्यादा डर बीवी से लगता है कि बच्चों से? ना जैसे गाली गलौज करके फिल्म आ रही है सर, उसके बारे में आप कुछ बताइए कि क्या? भाई देखिए, इसमें सवाल ये है कि जो जैसे मैंने कहा गाली गलौज आजकल OTT पर बहुत ज्यादा हो रही है हर जगह, और सफाई ये देते हैं कि वो बोलते हैं कि हम ओरिजिनल कंटेंट पर काम करते हैं, ओरिजिनल लोग जैसे बात करते हैं वैसा करते हैं, तो इसमें ये नेसेसरी हो जाता है। तो लेकिन ओरिजिनल बंदा जो और गुंडा जो गाली दे रहा है वो मरता भी गोली खा के, तो उसको आप गोली नहीं मारोगे, ठीक है? वहाँ भी एक्टिंग कर रहे हैं, वहाँ भी एक्टिंग कर रहे हैं, वहाँ मारो। तो ये यूट्यूब पर स्पेस जितने भी स्टैंड अप कॉमेडी और जो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि सभी कह रहे हैं, कुछ है तो उनको मुझे ये इस फिल्म के जरिए लोगों तक बात पहुँचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अपन एक सवाल जवाब वाला गेम होता है यहाँ पर, तो हम आपसे करेंगे थोड़े कॉमन सेंस वाले सवाल, और जिसके आप दोनों के पास वक्त रहेगा 30 सेकंड का, जिसमें आपको जवाब देना है। ओके, ठीक है? और जो जीतेगा उसको हमारे BCN की तरफ से मिलेगा 1 लाख रुपए। मेरे को मालूम रे। अरे कोई सैलरी करवा रहे मेरी? 1 लाख मांग रहे भैया। तो पहला सवाल यह है कि खाली पेट कितने रसगुल्ले खा सकते हैं? खाली पेट में 2 ही रसगुल्ले खा सकता हूँ। दो आप बताइए सर। मैं काफी सारे रसगुल्ले खा सकता हूँ सर, लेकिन दोनों का आंसर बिल्कुल गलत है। खाली पेट हम एक ही रसगुल्ले खा सकते हैं, उसके बाद आपका पेट ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो रहेगा ही ना। सर ऐसा कौन सा गाना है जो इस धरती पर कोई ना कोई गा ही रहा है, ऐसा कोई दिन नहीं गया कि वो गाना नहीं गाया हो? रोना गाना नहीं। वो तो रोज ही गाए। सोचिए सर, इसमें थोड़ा वक्त भी दूंगा मैं। धरती पर सब गा रहे हैं। हाँ, कोई ना कोई गा, ऐसा कोई दिन मिस नहीं होगा कि ये गाना नहीं गाया गया। और बहुत ईजी है सर, इतना ईजी है कि जिसकी कोई हद नहीं। सवाल क्या बोला? ऐसा कौन सा गाना है जो इस धरती पर कोई ना कोई गा ही रहा है, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं गया कि वो गाना नहीं गाया गया होगा। डेफिनेटली गाना तो नहीं होगा। डेफिनेटली गाना है सर। यार कितना मतलब कौन सा गाना है? एक मिनट सोच रहे थे, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है यार। हाँ, ना रहेगा तो अच्छा रहेगा। नहीं, आना जाना खाना। और बहुत ईजी है सर। क्या बात है? टिक 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 100। सर गाना बहुत इजी था सर, गाना था हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या सर आज तो आपका जन्मदिन है, ये तो बहुत इजी था। आपका कोई तर्क? कोई टपकता ही रोज भी गाता हूँ, कोई जाने वाले हो सके तो आके जाने वाले। किसी की शादी भी हो रही है तो बाबुल की दुआ भी गाई जा रही है। तो सर अभी तो हम बर्थडे पे थे ना, आपका बर्थडे था ना, इसलिए ना गाना मैं आपको, हम आपको डेडिकेट कर रहे थे। रोज सुबह भजन भी गाया जाता है, सुंदर है। तो मेरे ख्याल से पूरी धरती पर, पूरी दुनिया में। तो आइए अगला सवाल। अफ्रीका में बच्चा पैदा हो तो दांत कौन से कलर के होंगे सर, आप बताइए? मेरे जो बच्चे है उनके दांत है, दांत सर वो बाद में आएंगे ना। सर कॉमेडी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री दोनों बहुत मिक्स थी अब तक, बहुत मर्ज थी,
लेकिन जिस तरह अब साउथ की फिल्में देखने के बाद बॉलीवुड को बहुत बड़ा झटका लगा है, उसके बाद समझ में आया कि स्टोरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पे आपका क्या कहना? इसमें गाना बनाया था। हाँ जी सर, हम इरशाद सर। हिंदी फिल्म साउथ ना बन जाए, संभालो हीरो। हिंदी फिल्म साउथ ना बन जाए, संभालो हीरो। आ रहा तेलुगु चलन, आ रहा तेलुगु चलन, छा रहा तमिल चलन, छा रहा तमिल चलन। अपने सल्लू को उनके अल्लू से बचा लो यारो। हिंदी फिल्म साउथ ना बन जाए, संभालो हीरो। क्या बात है सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत लिटरली मतलब सर ये कहाँ से इंस्पिरेशन? तो 10 साल में हिंदी फिल्म कौन कौन सी होगी? अच्छा बताइए सर, हम सुनना चाहते हैं। जो पुष्पा 2, पुष्पा 3, पुष्पा 4, बाहुबली 3, बाहुबली 4, बाहुबली 5, RRR 2, RRR 3, RRR 4, RRR 5, बस यही हो गया। KGF 3, KGF 4, ये सब हो गया। क्या बात है सर, जाते जाते आप नागपुर के दर्शकों से क्या कहना चाहोगे? बस ये कहना चाहूँगा कि नागपुर में जब भी आता हूँ यहाँ की संतरा की जो मिठाई है, यहाँ पे संतरा खाया भी जाता है, पिया भी जाता है। अच्छा, ये तो इधर रतनूरा जाम भी पड़ता है। पीने वाला 37 रुपए का ये सर, खाने वाला महंगा है। अच्छा VIP, तुम वो आइटम हम लोग करके दिखाते हैं नागपुर की जनता को। पहली बात तो नागपुर से मैं बहुत प्यार करता हूँ। एक तो ये नागपुर इंडिया का दिल है, बिल्कुल जीरो माइल यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। और यहाँ से बहुत बड़े नेता अभिनेता निकले। आज इंडिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर राजकुमार हिरानी नागपुर की देन है। उससे पहले शोमैन सुभाष गई, वो भी यहाँ की देन है। उसके बाद सोनू सूद, गडकरी साहब, नितिन गडकरी, सबसे बड़ा समाज सेवक सोनू सूद, वो यहाँ की देन है। बड़े बड़े ही लोग आ गए, बड़े बड़े लोग, बड़े लोग जस्ट लाइक VIP। यस, तो मैं कह रहा हूँ कि ये टीवी पे ये जो आजकल डिबेट होती है, जहाँ पे अच्छे अच्छे इज्जतदार लोग जाके अपना जो क्रेडिट को डिबेट करके आ जाते हैं, डिबेट करके आ जाते हैं, तो वो कुछ चैनल ऐसे होते हैं इसमें बहस शुरू कर देते हैं वो लोग और एंकर लोग खाना खाने के लिए रहते हैं। तो क्यों ना बॉलीवुड पे डिबेट करें? बिल्कुल सर, मैं बनूंगा पात्रा साहब, जो है आप बॉलीवुड की तारीफ कर रहे हो, मैं साउथ की, साउथ की, और मैं हूँ एंकर सर शो का। अच्छा, साउथ का मैं कोई नेता हूँ या कोई निमांदा हूँ जो उनकी? सर नाम बता दीजिए, साउथ का क्या नाम रखे आपका? नौमणि स्वामी। और सर आपका? नौमणि स्वामी, मेरे पात्रा बोल दो बस। पात्रा सर, समझ गया सर, मैं समझ गया। बॉलीवुड पात्रा, किसी के पास चश्मा है क्या? किसी के पास चश्मा है? प्लीज दीजिए। सैटल रोड बात चल रही है, अरे वो कर लेते हैं ना, जो देश देश की भाषा क्या है इस पे चल रहा है, हिंदी है, उर्दू, संस्कृत, इस पे अपना पक्ष रख दीजिए। बॉलीवुड का मैं साउथ कर देता हूँ। तो सर आप किस पक्ष में हो? साउथ के पक्ष में, और आप बॉलीवुड के पक्ष में? आप हो पात्रा और आप हो नौमणि स्वामी। पुष्पा पे लेते हैं, ये फिल्म आ रही है, तो आप साउथ और आप पात्रा, ठीक है। नौमणि, आज हम बात करने वाले हैं साउथ और बॉलीवुड के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं नौमणि और पात्रा के साथ। आप, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपको क्या दिक्कत है साउथ से? सबसे पहले तो ये यश का डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट सामान इधर साउथ से इधर आया है। साउथ के लोगों का स्टारडम इतना ज्यादा, डुप्लीकेट लोग भी बड़ा बड़ा कंपनी में काम कर रहा है। देखिए, सुनिए, आपने दाढ़ी बढ़ाई है, सुनिए, आप अपने आप को समझे कि आप पुष्पा है। और देखिए आप जो मेरी दाढ़ी में क्यों गया, मेरी दाढ़ी में क्यों गए? बात बॉलीवुड और साउथ की है, मैं साउथ की बात कर रहा हूँ। देखिए साउथ ने कितना कब्जा किया है, ये बता रहा हूँ। मेरी दाढ़ी में तिनका नहीं दाल है, वो कल खाया था, वो रह गई थी वहाँ। नहीं, पहले तिनका था, अभी चार का हो गया। कैसे लोग बोले है आपने? सुनी, पहले शांत कराइए इन्हें, पहले इन्हें शांत कराइए। आपके पास सेविंग नहीं, शेविंग नहीं, ऐसे गरीब लोगों की किधर रखते हैं? सैलरी नहीं मिल रही हमको, इसलिए हम यहाँ ऐसा बैठा है। तो गैलरी भी नहीं देख। देखिए अब मेरी बात सुनिए। देखिए बॉलीवुड एक ऐसा है जहाँ पर लोग अपनी रोजी इंडस्ट्री जब से शुरू हुआ है, एक एक हिट पिक्चर दिया है। रजनीकांत अन्ना ले लो, कमला सनन ले लो, अपना नौमणि स्वामी ले लो, अपना मम्मी ले लो, अपना जितना भी गुटका बिकता है वो भी साउथ का बिकता है। रजनीकांधा, कमला पसंद, ये सब बिकता है। अभी जितना भी नौमणि, आपका 15 सेकंड पूरा हुआ है। पात्रा जी, आपको 15 सेकंड दे रहा हूँ। पात्रा जी, हमें ऐड भी लेनी है। पात्रा जी स्पॉन्सर है हमारे, स्पॉन्सर है, आप लीजिए।
दीजिए, रोकड़े चैलेंज भी स्पॉन्सर है यहाँ पर, आप बताइए। अभी उनकी एड भी चलानी हमको, हम आपसे पूछना चाहते हैं, नहीं आप, आपको 20 सेकंड दिए, नो मनी जी 20 सेकंड दिए, मैं इनका माइक, इनका माइक, इनकी वॉल्यूम कम कर दीजिए, इनकी इनकी सच्चाई की आवाज कम कर दीजिए, सच्चाई की आवाज कम कर दीजिए। नहीं नहीं आप भी चिल्लाइए, आप भी चिल्लाइए, आपको भी तो 250 रुपए दिया है बोलने के लिए, आप भी तो बोलिए, नहीं बोलिए 250 रुपए में बोलिए, नहीं नहीं आप हिंदी वॉल्यूम कम करो, हिंदी ना तो नहीं, और बोलते हिंदी बोलो, नहीं पात्र जी आप बोलिए, आप उनकी आवाज को नीचे कीजिए, आप अमिताभ बच्चन जी को लाइए, कन्नड़ चाहे कन्नड़ से केंद्र तक इतने साउथ से लेकर बॉलीवुड हॉलीवुड तक खाली टॉलीवुड चाहे तुम्हारे बॉलीवुड कितने, इनका ऑडियो डाउन कीजिए पहले, इनका ऑडियो 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 डाउन कर रहा हूँ मैं, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, एवरी सिटी सिंपलिसिटी, एवरी सिटी, वेरी गुड, बॉलीवुड को दबाया जा रहा है, बॉलीवुड को दबाया जा रहा है नो मनी के जरिए, नो मनी, नो मनी, नो मनी जी, नो मनी जी, शांत रहिए नो मनी जी, नो मनी जी आप चश्मा लीजिए, नो मनी जी, नो मनी जी चश्मा लीजिए, मनी साहब शांत हो जाइए, शांत। देखिए देखिए इन्होंने कहा कि इनकी साउथ है, मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारी बॉलीवुड फिल्म देखिए सुनिए, बॉलीवुड ने सबको खाना दिया है, देखिए आज पूरा हिंदुस्तान, हम तो यार सॉस आम दिया, अरे नूडल्स हम लाया, नूडल्स नूडल्स लाया हम, अरे नूडल्स लाया हम, नागपुर में अभी सुबह सुबह क्या मिलता है, इडली मिलता है, डोसा मिलता है, कौन दिया, साउथ इंडिया, ये लुंगी वाला तुमको क्या, ये बॉलीवुड की तरह काली बॉलीवुड, अरे बोलो बॉलीवुड बोलो, अरे चुप क्यों, बोलो आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, नहीं नहीं आवाज उठाइए, इनको आता नहीं है कुछ भी, ये बस ऐसे बोलते हैं। देखिए मैं बता रहा था कि आप ठीक है, आप साउथ की तारीफ कर रहे हैं, चीजें अच्छी बात है, लेकिन बॉलीवुड को आप नहीं गिरा, गाना हमारा साउथ कितना दिया मालूम है, सर आप बॉलीवुड वाले हो, सर सर आप बॉलीवुड, हमें हमें यहीं पर एड लेना पड़ेगा, हमें यहीं पर इनको रोकना पड़ेगा, हमारी एड आने वाली है रोकने जनरल, इसके बाद और इसी के साथ नागपुर मेट्रो समाचार, जहां आपको सच दिखाते हैं, इंडिया न्यूज सच दिखा बिना छुपाए, नहीं लेकिन बिल्कुल अब वक्त खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है, अरे कैमरा बंद हो चुका है, कैमरा बंद हो चुका है, कैमरा बंद हो चुका है, हाँ बंद हो गए, 250-250 रुपए निकालो भैया सबके, सबको 250-250 रुपए दो, काम ऐसे हर चले लोगों को बेवकूफ बनाने का। और जाते जाते आप नागपुर के दर्शकों से क्या कर रहे हो, बोले बहुत धमाल था ये तो, बिल्कुल बहुत, देखे साउथ में पिक्चर लोग पहले पहले उनकी वॉल्यूम नीचे करो, वॉल्यूम नीचे, वॉल्यूम नीचे, वॉल्यूम नीचे, वॉल्यूम नीचे, इस तरह के लोग हैं, देखिए इन्हें इन्हें कुछ पता नहीं है, ये यहाँ पर आ जाते हैं, पहली बात तो देखिए बॉलीवुड के नाम पर ये जो कर रहे हैं ये गलत है, बॉलीवुड ने काफ़ी लोगों को रोजगारी दी है, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे कोई भी हो, अलग अलग प्रांत से यहाँ पर आते हैं, महंगा है, महंगा है, सुनिए इस तरह के लोग नहीं चलेंगे, ये केवल साउथ के टूट जाएगा भाई, इतने मत कर, मेरा बात मनी का, नो मनी, नो मनी, पैसे नहीं देंगे, नो मनी की वॉल्यूम कैसे बढ़ी, क्या म्यूट नहीं कर सकते, ये साउथ के आदमी को ज्यादातर म्यूट नहीं कर सकते, हमारा आवाज साउथ से लेकर साउथ अफ्रीका तक पहुंचता है, तुम किधर जाएंगे, तुम तो फ्री गए, किधर भी जाए, लोग तोड़ फोड़ करते हैं, इनका नाम है, तोड़ दिए, तोड़ दिए, 150 रुपए का लिया था हमने, तोड़ दिए इन्होंने, पेमेंट कटेगा, आदमी चूहा के भरोसे, चूहा के भरोसे, यही यही है, हमारा यही स्क्रोल होता है यहाँ पर, हमारा हमारा साउथ हाथी के भरोसे, ये चूहा के भरोसे, हाथी देखने का है तो बाहुबली देखो, चूहा देखो तो इनको बॉलीवुड पिक्चर देखो, बॉलीवुड की बहुत बेइज्जती की है, देखिए इन्होंने चूहे के बारे में कहा, देखिए चूहा जो है गणेश जी का वाहन, देखिए वाह, गणेश जी का वाहन, इमोशनल कर दिया, देखिए पहले बता दो, इनका जो हाउस है वो माउस है रे, ये बिल में रहने वाले हैं, बात करते हैं, हमारा साउथ, हमारा टॉलीवुड, हमारा हमारा सैंडलवुड, हमारा किच्चा सुदीप कितना अच्छा बात करता है, किच्चा सुदीप बोलता है, किच्चा सुदीप कितना अच्छा बात करता है, किच्चा सुदीप, किच्चा सुदीप, अच्छा सुदीप को बताइए, और बॉलीवुड क्या है, कच्चा बादाम है, बात करते हैं, हमारा साउथ से टकराने का नहीं, लुंगी उड़ा के किस कितने लोगों को फेंक देता है, इधर ऐसा लुंगी उड़ा के, लुंगी के अंदर क्या होता है जो इतने लोगों को फेंक देता है, लुंगी बदला, लुंगी रिवेंज, लुंगी वो वाला लुंगी, लुंगी अच्छा, लुंगी पहनने से आदमी कितना कितना पावर आता है, रजनी अन्ना को देखो कितना बड़ा भगवान है वो, एक दिन आपको पक्का, आप बॉलीवुड वाले हो, भगवान रजनीकांत को प्यारा हो गया, और फाइनली हमारे मनी अप्पा, नो मनी अप्पा ने हमारे बॉलीवुड को साउथ में कन्वर्ट कर दिया है पूरी तरह,
सर आप पहले बॉलीवुड में मेरे को काम दिया था माई नेम रजनी फर्स्ट मैं बॉलीवुड में मेरा नाम हुआ था तभी मैं आई लव बॉलीवुड नॉट टॉलीवुड टॉलीवुड को भी लव करते हैं लेकिन बॉलीवुड फर्स्ट आई लव यू अभी देखा साउथ का कॉपी सब करता है रजनी का कॉपी सब करता है और बॉलीवुड में रजनी को देख के सब गजनी हो जाता है वाह और इसी के साथ आप जाते थे नागपुर के दर्शकों के आगे अभी तीसरी बार बोल रहा हूँ मैं लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू करते रहिए बहुत मजा आ रहा है टीआर भी तो बढ़ रही है दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि आप नहीं हो मुझसे दूर क्योंकि आप है मेरे दिल में भरपूर वाह कि नागपुर 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 सर कुछ आवाजों के साथ बीसीएन का नागपुर से आए साथ में संतरा लाए बड़ी फेमस यहाँ की संतरा मुझे मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि मैं पंकज त्रिपाठी यही कहना चाहता हूँ कि अगली बार जो फिल्म बन रही है एक तो गाली गलौज बन रही है दूसरी बात अभी बाबू जी ने बताया कि नागपुर टू गोवा भी बन रही है इस टाइप की दो फिल्मों की शूटिंग जल्दी शुरू हो रही है वहाँ मिलने वहाँ मनपसंद हो गए बहुत जाओगे दूर बॉम्बे टू नागपुर क्या बात है माय नेम इज फरहान अख्तर दिलों में बेताबी भी लेकर चले हो तो जिंदा हो तो वाह मैं कहता हूँ कि कल ईद है तो मेरी तरफ से आप सभी को ईद मुबारक हो थैंक यू सो मच और बीसीएन देख रहे हो तो जिंदा हो तुम बीसीएन देख रहे हो तो जिंदा हो तुम नागपुर मेट्रो समाचार पढ़ रहे हो तो जिंदा हो तुम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मान्यवर आप सबको ईद की शुभकामनाएं इंशाअल्लाह अमन होगा सुकून होगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई मिलके लड़ेंगे नफरत के खिलाफ लड़ाई और नफरत को देंगे वोटा भाई दुनिया से विदाई वाह देखिए 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 ओवैसी साहब आप कुछ बोलिए ओवैसी साहब बोलिए क्या बोलूं मैं आप सबको ये बोलने को आया मैं ईद मुबारक हो ईद में खीर खाने के लिए वो बाहर रखो मैं हर आदमी को खीर खाने का पान साहब आप आइए हमारे घर को हैदराबाद आओ तुम्हें आपको मैं सब खुरमा खिलाऊंगा ऐसा मैं अपने गुरु के साथ आऊंगा राहुल गांधी साहब कॉमेडी के गुरु लेकर आइए कॉमेडी के गुरु है वो माँ का बाप का भाई का सबका त्योहार है माँ का सब ईद ईद के लिए ईदी लेने के लिए सबके पास आऊंगा शानदार जब तक ईदी लूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं मैं 15,000 तक ईदी लूंगा 15,000 तक माफ करना जब तक देंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं गुड नाइट मेरे देशवासियों आप सभी को मेरी तरफ से ईद की ढेर सारी बधाइयां आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ अमित शाह जी ने बोल दिया मान साहब ने भी बोल दिया पूरे हिंदुस्तान को बहुत बहुत बधाई आज रात मध्य रात्रि चांद दिखने के बाद ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं सर कुछ बच्चा है तो करते जाओ सर हमें तो बड़ा मजा हम तो बस बैठ के मैं बस कोई मेरे को यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक ला कर दे यार बच्चा यादव बचा हुआ है आप बोलो तो हम बच्चा यादव भी कर ले महाराज क्या बात है ओके तो मैं मान यहाँ से तो विदा मिलूंगा अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ कुछ नए जवाबों के साथ और कुछ नए चेहरों के साथ टिल देन मान से वीआईपी जी से और सुनील पाल से गुड बाय एंड टेक केयर